हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता और आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीता में। ये आपका कंप्यूटर का सेट 3 होगा जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 मैंने इंग्लिश में बनाए थे, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैं हिंदी में इन क्वेश्चंस को बनाऊँ। तो आपकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो आपका सेट 3 है ये मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में बनाया है। कोई भी जैसे इंग्लिश में है ही नहीं इसमें कोई भी सेंटेंस, क्योंकि क्या होता था इंग्लिश में सेंटेंस होता था मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, तो कुछ बच्चों को समस्या आती थी इसको समझने में उसको करने में। क्योंकि जो भी आपके एग्जाम होते हैं लाइक हरियाणा पुलिस का आपका एग्जाम होता है, रेलवे ग्रुप डी का होता है, जो भी आपका एग्जाम होता है अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो वो सारा पेपर आपका हिंदी में ही आता है, तो कंप्यूटर क्वेश्चन भी हिंदी में ही आते हैं, तो वहां बच्चों को दिक्कत आती थी। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने आपका सेट 3 हिंदी में बनाया है, आई होप आपको पसंद आएगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपके आंसर भी मेंशन किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके आंसर भी मेंशन किए हैं ताकि आपको अगर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो बाय चांस कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से अपने आंसर मैच कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जो आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यानी ऐसा आपका हार्डवेयर का डिवाइस कौन सा होता है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। फर्स्टली आप सिंपली बता दीजिए कंप्यूटर का ब्रेन हम कहते किसे हैं। सबको पता है कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, आपका सीपीयू होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी सीपीयू यानी हार्डवेयर ये डिवाइस होता है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इससे आगे सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम ऑपरेट कर रहे हो तो उसमें बग आता है, तो बग किसे कहते हैं, वो होता है आपका एरर, यानी एरर को बग कहा जाता है। एरर आपके 3 या 4 टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एरर जो होते हैं वो आपके फर्स्ट तो होता है इसमें सिंटैक्स एरर होता है, जैसे कोई भी आपका सिंबल वगैरह का अगर एरर आता है प्रोग्राम जब आप रन करते हो तो सिंटैक्स एरर शो करवा देगा। अगर आपने सेमी कोलन नहीं लगाया है, कोलन नहीं लगाया, कोई भी सिंबल से रिलेटेड कोई भी एरर है तो सिंटैक्स एरर कहा जाता है। इसी तरीके से आपका इससे आगे क्या होता है, एक तो सिंटैक्स एरर आएगा, कोई भी आप वर्ड वगैरह गलत लिख देते तो वो एरर वहां पे आ जाता है। और तीसरा एरर आपका होता है जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हो उसको रन कर रहे हो तो पूरे के पूरे प्रोग्राम में लगा लो आपके जो हेडर जो लाइन होते हैं ना वहीं आपने कोई मिस्टेक कर दी तो वो एरर भी आ जाता है, उसे हम रन टाइम एरर भी कहते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे एरर होते हैं, बट इसने यहाँ पे पूछा है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, तो बग भी आपका एक एरर टाइप ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है। इसे पूछा गया ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जो भी आप टेलीफोन लाइन यानी मोबाइल फोन लाइन की जो आप यूज करते हो उसमें डेटा को ट्रांसफर कर देता है, अंतरित करने की अनुमति देता है, तो वो होता है आपका मोडम। आई होप आपने मोडम के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। मोडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, MO से मॉड्यूलेटर और DEM से डिमॉड्यूलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी पूछी जाती है। मोडम वो होता है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है जो नेटवर्किंग कनेक्ट करते हैं जिससे, वो सब क्या होता है मोडम के थ्रू ही होता है, जहाँ से हम डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं और नेटवर्किंग कनेक्ट भी कर सकते हैं। और देखिएगा और जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, CPU तो होगा नहीं क्योंकि ये तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, प्रिंटर भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, कुंजी पटल आई थिंक कीबोर्ड को कहा जाता है, कीबोर्ड भी नहीं होगा क्योंकि वो एक इनपुट डिवाइस होता है। तो डेटा ट्रांसफर किससे होगा, वो होगा आपके मॉडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, सक्रियात्मक जैसे कि जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक, पहला जो कैलकुलेशन करने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो बताया है। ये तो आप याद ही रख लेगा, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और आंसर भी क्या है आपका ENIAC, ई से इलेक्ट्रॉनिक, ई से ENIAC, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये तो आप याद रखिएगा, जो आपका ENIAC होता है इसको इस तरीके से आपको मिल भी सकता है या फिर ENIAC से भी मिल सकता है। ENIAC क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका जो कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। इससे आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है, ये तो आपको पता होगा WWW,
इसे वर्ल्ड वाइड वेब, यानी पूरे पूरे वर्ल्ड में कोई नेटवर्किंग सिस्टम होगा। जब पूरे वर्ल्ड में होगा तो वाइड भी होगा और वेब तो वो होगा ही, क्योंकि ये नेटवर्किंग का ही एक प्रकार है। तो इसका आपका फिफ्थ का ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है वर्ल्ड वाइड वेब, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी में है आपके सामने। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, कितने लोग वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में अपना और भी ज़्यादा एफर्ट लगा के आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जो क्वालिटी जो मटेरियल होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपके सामने, CPU का क्या अर्थ है, यानी कि CPU स्टैंड्स फॉर, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, या फिर CPU की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाते हैं, फुल फॉर्म बोलो या स्टैंड्स फॉर बोलो एक ही बात होती है। तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिएगा कहाँ मेंशन किया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर ए में ही मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अब बात आ गई यहाँ ब्रांड की, आपको बताना है, लाइक जैसे कंप्यूटर होता है, मोबाइल चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, कौन सा आपका पेंटियम ब्रांड से बिकता है, तो वो होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपने मोबाइल चिप वगैरह कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर अलग अलग कंपनी के होता है, डेल कंपनी का होता है, कोई लिनोवो कंपनी का होता है, इसी तरीके से एक कंपनी, ये ब्रांड आपके सामने दिया गया है, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर जो होता है। प्रोसेसर क्या होता है, CPU के अंदर फिट होता है जो पूरे के पूरे, जैसे मदरबोर्ड, CPU के अंदर मैंने आपको बताया था, CPU के अंदर मदरबोर्ड आपका सबसे मेन अहम रोल निभाता है। अगर मदरबोर्ड उसमें से निकाल देंगे तो एक खाली डब्बा ही बच जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर ही होता है, जो क्या करता है, पूरे सिस्टम को प्रोसेस करने का काम करता है। इससे आगे एट क्वेश्चन हम देखते हैं, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। अभी मैंने WWW का आपको फुल फॉर्म बताया, वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसके आविष्कारक यानी इन्वेंशन कौन है इसके, ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके टीम बर्नर्स ली, टीम बर्नर्स ली ये जो हैं आपके क्या हैं, ये WWW के क्या हैं, इन्वेंशन हैं। इससे आगे हम चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, ऐसा कौन सी चीज़ यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो चीज़ नहीं है, इसलिए आपको ये बताना है। तो साइबर स्पेस, हाँ साइबर स्पेस में क्या होता है, दूसरे का डेटा उसमें चुरा लेते हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, अपलोड करते हैं तो भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, मॉडम करते हैं तो भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट जो प्रकाश भंडारण है इसके द्वारा हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इससे आगे हम देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था, वो था आपका ENIAC था। अब पूछा गया है ENIAC में क्या था, सीधा पूछ लिया गया है उस कंप्यूटर में ऐसा क्या था, तो वो आपको बताना है। देखिएगा मैं आपको बताती हूँ, जो ये आपका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर नहीं थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर कब आए थे अगर आपको पता हो तो, ये वैक्यूम ट्यूब जो था आपका फर्स्ट जनरेशन, उसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आए थे। इससे आगे वॉल्व के बारे में लगा लो हमें पता ही नहीं है। इससे आगे क्रोड स्मृति पता, ये शायद आपकी फोर्थ जनरेशन के बाद आई थी, यानी अब उस टाइम तक ये नहीं आई थी जब ये ENIAC का निर्माण किया गया था। इस तरीके से अर्धचालक स्मृति, तो इन सब को हटा के आपका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, यानी ENIAC में क्या था, आपके वॉल्व थे। इलेवंथ क्वेश्चन आपके सामने, अनुपम क्या है, आपको बताना है कि अनुपम क्या है, एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, आगे के ऑप्शन ही मैं आपको बताती हूँ। इसे पूछा गया था आपसे कि अनुपम क्या है, तो उसमें पूछा गया, अनुपम का सी ऑप्शन आपके सामने है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी था आपका एक सुपर कंप्यूटर है। तो जो अनुपम है वो आपका एक सुपर कंप्यूटर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्वेल्थ, कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। अब पूछ लिया जाए कि भारत में निर्मित किया गया सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आंसर रहेगा आपका परम। तो जो परम सुपर कंप्यूटर था वो किस संस्थान ने, किस इंस्टीट्यूशन ने उसे डेवलप किया था, ये आपको बताना है। तो किसने किया था, वो किया था CDAC ने, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, CDAC के द्वारा परम कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 इज, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वो आपको बताना है। जैसे आपके बिट होती है और आपकी बाइट होती है, टेराबाइट होती है, मेगाबाइट होती है, किलोबाइट, इस तरीके से बाइट्स होती हैं आपकी। सबसे छोटी जो बाइट पूछ ली जाए तो सबसे छोटी इकाई अगर पूछ ली जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बाइट रहेगा, जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी बाइट होती है। तो बाइट कहाँ है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट।
14 हम देखते हैं कि कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया अनुपम, अनुपम क्या होता है, आपका सुपर कंप्यूटर ही होता है। तो जो परमाणु अनुसंधान है वहां पे भी एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, और सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा है तो वो आपका अनुपम होता है। तो 14 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे आगे हम देखते हैं 15 का। 15 में है आपके, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट था मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, तो एक बाइट बना होता है। तो आपको बताना है जब हम किलोबाइट को तथा मेगाबाइट के, किलोबाइट को हम चेंजमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किसमें, हम मेगाबाइट में करते हैं, तो एक बाइट हमारा जो बनता है वो कितने का होता है, 8 द्विआधारी अंकों का होता है। तो वो आपका जो बाइट होता है जब किलो से मेगा में ट्रांसफर करते हैं तो 8 द्विआधारी तो जो आपके अंक होते हैं उनमें वो ट्रांसफर होता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके सामने है, स्पैम यानी व्हाट इज स्पैम, या फिर किस थीम से रिलेटेड है आपका स्पैम। तो पूछा गया स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, ये आपको बताना है, कंप्यूटर से, कला से, संगीत से, या खेल से। तो स्पैम है वो आपका किससे है, कंप्यूटर से। आपने देखा होगा जब आप ईमेल अगर आप यूज करते हो, तो जब आप ईमेल के जो ऑप्शंस पे क्लिक करते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम और ट्रैश, इस टाइप के ऑप्शन शो करवाते हैं, तो वहीं पे आपका एक स्पैम होता है, स्पैम ऑप्शन होता है। तो स्पैम आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 इज, और डेटा के प्रेक्षण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, एकक जैसे यूनिट, यानी अगर हम डेटा को मेजरमेंट करना चाहते हैं उसकी स्पीड को, तो हम किसके द्वारा करेंगे, वो इसमें पूछा गया, मेगाहर्ट्ज़ के द्वारा, संप्रति प्रति सेकंड के द्वारा, बिट प्रति सेकंड के द्वारा, नैनो प्रति सेकंड के द्वारा। तो वो हो जाएगा आपका बिट प्रति सेकंड के द्वारा। अगर डेटा को अगर आपके उसकी स्पीड को मेजरमेंट करना है तो हमेशा बिट प्रति सेकंड के द्वारा होगा, बिट पर सेकंड। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 18 का क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें है इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। आपको बताना है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रुप होता है इंस्ट्रक्शन को जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे काम कैसे करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्राम, ये बताना है आपको। तो इंस्ट्रक्शन अगर हम उसको देंगे तो क्या करेगा, वो प्रोग्राम करेगा, उसको रन करेगा। तो 18 का डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है वो कंप्यूटर को बताता है उसके उसे किस तरीके से प्रोग्राम करना है। इसे आगे हम देखते हैं 19 का, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आपको बताना है। इंफोसिस, TCS, विप्रो या फिर HCLTech, ये आपको बताना है। तो 19 का आंसर रहेगा आपका TCS, ये आपकी क्या है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। देखिएगा जितने भी आपके क्वेश्चन है मैंने आपके लिए लेके आए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपके जो एग्जाम हो उन सब में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को प्लीज आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन लोग का एग्जाम है, ताकि उन लोग को भी कुछ ना कुछ यहाँ से बेनिफिट मिले, उनका कुछ ना कुछ फायदा हो। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है कंप्यूटर से रिलेटेड, या साइकोलॉजी, हिंदी और आपका EVS, अगर आपने STET या CTET का फॉर्म भी फिल कर रखा है, सबकी वीडियोस मैंने बना के डाल रखे हैं, प्लीज़ आप चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर लीजिएगा। इनकी रिगार्डिंग आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होती है किसी भी तरह की, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 20 क्वेश्चन आपके सामने है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है, ये आपको बताना है। कर्मादेश यानी उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है कोई भी काम करने के लिए, तो वो कहाँ अटक जाता है ये आपको बताना है, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में। तो वो अटक जाता है आपका रैम में, क्योंकि रैम क्या एक टेम्प्ररी मेमोरी होती है, जब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक उसके अंदर डेटा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी गई, कंप्यूटर बंद हुआ, डेटा भी आपका लॉस्ट हो गया। और इसी तरीके से जो भी कोई आपका डेटा होता है वो सारा का सारा अगर हम उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं करने के लिए, तो आपका रैम के अंदर स्टोर होता है, यानी रैम के अंदर जब स्टोर ही उसी के अंदर होता है अटक भी उसी के अंदर जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 का क्वेश्चन हम, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति किसे कहते हैं, स्थायी किसे कहते हैं, स्मृति यानी मेमोरी किसे कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी, रैम को या रोम को। अभी मैंने बताया जो रैम होती है आपकी टेम्पोररी मेमोरी होती है, तो परमानेंट कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी रोम। ना तो हम रोम को इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, जितनी है उतनी रहेगी, तो परमानेंट हुई ना। रैम को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो परमानेंट मेमोरी आपकी हो जाएगी। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी रोम। इससे आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, ये आपको बताना है। इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता या स्पीकर।
तो ये आपको बताना निर्गम उपकरण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। एक्यूरेट अगर आप मुझसे पूछो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ये मुझे नहीं पता कि इसको कौन से, मतलब आई थिंक ये प्रिंटर के बारे में यहाँ बात कर रहा है, जैसे मैंने कल आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में बताया था, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। बट इसका इंग्लिश में मीन पता नहीं, इसको इंग्लिश में किसका इसको ट्रांसलेट किया है, बट इंक जेट मुद्रक, तो मुद्रक शायद इसमें प्रिंटरों का, तो इंक जेट तो होगा नहीं, प्लास्टर भी नहीं होगा और स्पीकर भी नहीं होगा, कि ये सारे के आपके आउटपुट इनपुट डिवाइसेज होते हैं। तो बच गया कौन सा, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। इसे आगे हम देखते हैं 23 का, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, ये आपको बताना है। कोबोल की गई थी, बेसिक किया था, फोर्ट्रॉन किया था या पास्कल किया था, सबसे पहली बतानी है आपको, तो वो है आपकी फोर्ट्रॉन, क्योंकि जो भी इस सॉरी सबसे पहले आपको कंप्यूटर भाषा बतानी है, तो वो है, वो की गई थी आपकी फोर्ट्रॉन। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इससे आगे हम देखते हैं, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, ये आपके सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, इसको रट लीजिए। और सिलिकॉन ज्यादातर आपको कहाँ पाया जाता है ये मुझे आप जरूर बताइएगा, कमेंट सेशन में मुझे बताएगा कि जो आईसी चिप सिलिकॉन के बनते हैं, बट सबसे ज्यादा सिलिकॉन कौन से शहर में पाया जाता है ये आप मुझे बताइएगा। 25 का आंसर क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से सीआरटी का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। सीआरटी का हिस्सा कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। फॉस्फोर है इसमें, छाया अच्छद है, इलेक्ट्रॉन गन है या गैस प्लाज्मा है। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट रहेगा, गैस प्लाज्मा जो है वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है। इसे आगे हम देखते हैं, आज हम सिर्फ 30 क्वेश्चन ही करेंगे इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज में हम कवर करेंगे। 26 का क्वेश्चन आपके सामने, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। जब हम लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं, कल की वीडियो मैंने आपको समझाया था कि कौन सा प्रिंटर आपका इंपैक्ट होता है, कौन सा नॉन इंपैक्ट होता है, तो लेजर कौन से प्रिंटर में काउंट होता है, तो देखिएगा आप, रिमाइंड कीजिएगा कल मैंने आपको बताया था। तो यहीं से पूछा गया कि लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है, तो आपको बताना है डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेजदायी लेजर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अर्धचालक जो लेजर है वो लेजर के प्रिंटर में प्रकार में प्रयुक्त होता है। इससे आगे आपके सामने 27 का क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था ये आपको बताना है। बिल गेट्स ने बनाया था, बिल क्लिंटन ने बनाया, चार्ल्स बेबेज या मार्कनी। तो बच्चे बच्चे को पता, आपको ही पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर निर्माण किया गया था। 28 का हम देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से, ये आपको बताना है। जो आधुनिक जो आपके कंप्यूटर थे उनका अगर लघु यानी छोटा सा अगर हम उसका रूपकरण संभव हो सकता है तो किसके द्वारा हो सकता है वो बताना है। ट्रांजिस्टर के द्वारा, समकलित परिपथ चिप के द्वारा, नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट हो जाएगा, वो है आपका समाकलित परिपथ चिप के द्वारा हम उसको लघु रूपकरण उसको हम दे सकते हैं। 29 का क्वेश्चन देखेगा, किसी आंकड़े संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। ये आपका डेटा के बारे में यहाँ बात चल रही है, अगर डेटा के अंदर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, उनको आप स्टोर करना चाहते हो, तो किसके द्वारा आप उसको स्टोर करोगे, जालक्रम मॉडल के द्वारा, श्रेणीबद्ध मॉडल के द्वारा, संबंधात्मक मॉडल के द्वारा या बहुआयामी मॉडल के द्वारा। अगर आपको डेटा को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे श्रेणीबद्ध मॉडल का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30 और आने और जितने भी क्वेश्चन है वो आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो 30 आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखेगा आप, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। ऐसा कौन सा है अगर आपके कंप्यूटर में कोई एरर है तो वो आपको शो करवाएगा, चिप करवाएगा, बाइट करवाएगा, बग करवाएगा, बिट करवाएगा। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, बस उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर एरर होगा तो वो आपको बग शो करवाएगा। तो ये थी आपकी वीडियो, आपके डिमांड पे मैंने प्योरली हिंदी में आपके लिए वीडियो बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का आप नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।